के अंदर आया तो एक एक पूरा पूरा हॉल हमारा बना हुआ है। इस कागज में हमारे विनय रोहिला जी का नाम भी लिखा मिल गया, विनय रोहिला जी दिखाई दे रहे। मैं विनय भाई का भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि सारे ही कार्यक्रमों में, ये कई बार लगता ही नहीं कि उत्तराखंड के हैं कि दिल्ली के हैं कि कहाँ के हैं, जहाँ देखते हैं हम लोग वही कार्यक्रमों के संयोजन में जुटे रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कोई चुनाव होता है, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव हो या कहीं अन्य किसी राज्य में चुनाव हो, हर जगह विनय भाई रहते हैं। मैं विनय भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा भाई सिद्धार्थ ने कहा और बहुत सारे वक्ताओं को आज ने विनोद चमोली जी को भी सुनना था, हजार दास जी को भी सुनना था, हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी यहाँ सुनना था, लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि नहीं समय की कमी है, देर हो गई है, इसलिए सीधे सीधे आप बोलिए। आप सब बोलते तो निश्चित रूप से उन सब बातों का उल्लेख होता। हमारे सामने अभी हम लोगों ने जितने भी, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप सबके परिश्रम से, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से, जब से मुझे दायित्व मिला, सारे के सारे चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे हरिद्वार का, जिला पंचायत का, जो जिला परिषद का, पंचायत के चुनाव हो, जो आज तक हमने कभी इतनी बड़ी संख्या में कभी जीत हासिल नहीं करी थी, हरिद्वार में हमने वो संख्या में जीत हासिल करी, वह भी अपने आप में रिकॉर्ड बना। चंपावत का उपचुनाव हुआ, उसमें भी रिकॉर्ड बना। अभी बागेश्वर का बहुत कड़ा चुनाव था और चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव बड़ा टफ है, क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट बना था, वो कांग्रेस का कैंडिडेट हर चुनाव में कभी बसपा से लड़ता था, कभी आप पार्टी से लड़ता था, और इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ा पिछले चुनाव में, और 15,000-16,000 वोट हर बार पाता था, 20,000 कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता था। तो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि चुनाव कहीं ना कहीं बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी को जो उसके पिछले चुनाव के मिले हुए मतों को मिला दिया जाता तो ये लगभग 36,000 मत हो रहे थे। और आप समझिए कि हमारे प्रत्याशी को, चंदन रामदास जी को, जो पिछले चुनाव में थे, उनको 32,000 कुल वोट मिले हुए थे, लेकिन इस बार ये सारे मिथक भी टूट गए। सारी कांग्रेस वहाँ पूरे महीने भर पड़ी गई, सारे महीने भर विधायक पड़े रहे, उनके सारे वरिष्ठ नेता पड़े रहे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक के सारे प्रभारी पड़े रहे। और जब परिणाम आया तो बागेश्वर की जनता ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए, बागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के कार्य हुए उत्तराखंड के अंदर पूरा किया गया है, जिन विकास कार्यों के लिए धन आवंटन किया गया है, उनको गति देने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता ने किया। मैं बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों का, क्योंकि माताओं बहनों का अत्यधिक स्नेह हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो। इस चुनाव में भी जैसे ही पता लगा, जब हम लोगों ने उसके आंकड़े निकाले तो 65% जो मातृशक्ति का मतदान हुआ था, उसी दिन हम समझ गए थे कि चुनाव का परिणाम अब हमारे पक्ष में आने वाला है। मैं मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूँ। हर कार्यक्रम में हमारी माताओं बहनों की जो संख्या है वो 70% से अधिक रहती है, इतनी बड़ी संख्या मातृशक्ति की रहती है। और मातृशक्ति के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो आंचल है हमेशा अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे सर पर रहता है। आज भी मेरी माँ प्रातःकाल मुझे जब फटीमा से मुझे फ़ोन कर रही थी तो मैं सच बताऊँ तो मैं समझ सकता हूँ कि माँ का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद किस प्रकार का महसूस कराता है, किस प्रकार का एहसास कराता है। एक अपने आप में वो एहसास शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आगे जो हमारे सामने चुनौती है, हमने सारे चुनाव जीते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने हमेशा बड़ा समर्थन यहाँ से किया है। और हमारे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ
कि जैसे हमने सारे चुनावों में मिलजुल कर परिवार की जैसे शादियों विवाह किए जाते हैं उस प्रकार के चुनावों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और सफलतापूर्वक सारे चुनावों में जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने मिलजुल कर इन सबको आगे बढ़ाना है। अब की आप सबकी साझा मेहनत से हमने पांचों सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। और सच बताऊं तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, मैं आप सब के माध्यम से प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ न कुछ मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं, लेकिन सही गिफ्ट लोकसभा की पांचों सीटें होंगी जो हम मोदी जी को देंगे। आपकी कड़ी मेहनत इसके लिए करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में अभी G20 किया जो समिट है वो समिट पूरा हुआ। हमको भी इस समिट में 5-3 कार्यक्रम हमको उत्तराखंड के अंदर मिले और ये जी समिट आज से पहले होने वाले समिटों से सब समिटों से अलग समिट होगा। इसमें 112 आउटकम निकल कर आए और भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में इतिहास रचते हुए आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूर कराया। अफ्रीकन समूह को भी G20 का सदस्य बनाने में सबकी सहमति बनाई गई। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी घोषणा पत्र जारी हुआ। इस प्रकार से ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आज आप सब देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में मार्गदर्शन में बद्रीनाथ केदारनाथ पर कॉरिडोर का कार्य तेजी से प्रगति पर है। ऑल वेदर रोड ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। मानस खंड में मंदिर धामों के स्थल विकास का काम एक मास्टर प्लान के तहत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी गणेश जोशी जी यहाँ से बोल रहे थे कि बहुत सारे काम हम लोगों ने किए, अभी बहुत सारे काम हमको करने हैं। एक साल में हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए। आप सबको मालूम है बहुत सारे समय हमारे सामने बड़ी चुनौती भी आई, लेकिन आपके समर्थन के कारण से आपके आशीर्वाद के कारण से हमने उन चुनौतियों पर भी सफलतापूर्वक उनको पार किया है, सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़ाया है। अभी डेमोग्राफिक चेंज की जो समस्या है उस पर भी काम चल रहा है। अतिक्रमण हटाए गए हैं, सशक्त भू कानून हो इस पर भी एक समिति राय मशिंदवा कर रही है। अभी तक 3200 एकड़ जमीन सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 480 मजारें हटाई गई है जो केवल प्रतीक स्थल के रूप में जंगलों में या अन्य स्थानों पर जो है निर्मित कर दी गई थी। अन्य धार्मिक चिन्हों को भी सम्मानपूर्वक हटाया गया। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर बनाने पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। 2026 तक का हमने लक्ष्य लिया है कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखने की भी योजना पर तेजी से काम हो रहा है। कुंभ और कांवड़ यात्रा में अभी इस वर्ष कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से भी ज़्यादा शिव भक्तों ने यहाँ दर्शन किए हैं। आने वाले समय में इसकी सफाई व्यवस्था भी ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो उस योजना पर भी काम हो रहा है। अभी जन्माष्टमी के दिन हरिपुर तीर्थ स्थल जो कभी बह गया था, आप सबको पता है जोन साहब भावर गए, जो हमारे यहाँ पर गीता सिंह जी बैठे हैं, हमारे श्री विनय रोहिला जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो जन्माष्टमी के दिन हरिपुर घाट बनाने का, हरिपुर धाम बनाने का काम जन्माष्टमी से हमने शुरू कर दिया है। जमुना जी पर उत्तराखंड में 4 घाट भविष्य में बनाए जाने की हमारी योजना है, जिसमें कृष्ण जमुना तीर्थ सर्किट बनाया जा सके। समान नागरिक संहिता पर आप सबको मालूम है कि UCC कमेटी ने काफ़ी काम कर लिया है और हम जल्दी इस साल ही इस ड्राफ्ट को मिलते ही हम लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही कानून का रूप समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लेगा। सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए 10 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया है। उत्तराखंड ने जो सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, ये सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। समूह ग की सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की परिपाटी तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। दिसंबर में हम प्रदेश के अंदर वैश्विक निवेशक सम्मेलन
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं अभी दिल्ली में। 14 तारीख को हमने कटर रेजर आयोजित किया और इस मामले में हमें बड़ी सफलता मिली है, जहां बहुत बड़े ग्रुप जो हम सोचते थे कि आसानी से उत्तराखंड नहीं आएंगे, उन्होंने भी उत्तराखंड आने की सहमति प्रदान की है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। ITC द्वारा 5,000 करोड़, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा 1,000 करोड़ और ई कुबेर ग्रुप के द्वारा 1,600 करोड़ के निवेशों का MOU हमारे साथ किया गया है। युवा राज्य के रूप में उभर रहे उत्तराखंड में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और लोगों में बहुत उत्साह है हमने उद्योग समूह के निवेशकों को यहाँ लाने के लिए 6,000 एकड़ लैंड बैंक अभी तक हमने सुरक्षित कर लिया है, जिस पर उद्योग समूह आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने हमारे उद्योग स्थापित हैं, वो उद्योग 8,000 एकड़ लैंड जमीन पर कुल लगे हुए हैं। हमारी योजना है कि जितने अभी तक उद्योग समूह, जितने हमारे निवेशक निवेश कर चुके हैं, उतना ही निवेश हम आने वाले 2-4 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर लाएंगे, यानी कि जस्ट इस निवेश को डबल करने की हमारी योजना है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति बनाई है, MSME नीति बनाई है, स्टार्टअप नीति बनाई है, लॉजिस्टिक नीति बनाई है, निजी औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हेतु नीति बनाई है। पलायन रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में जब निवेशक आएंगे, इतना बड़ा निवेश आएगा, तो ये पलायन भी रोकेगा और हमारे नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध कराने का एक बड़ा आधार ये निवेशक सम्मेलन बनने वाला है। फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में भी उत्तराखंड एक नया हब बन रहा है। फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक और व्यवहारिक बनाने की हमारी योजना पर हम तेजी से काम कर रहे हैं।